तो वेलकम बैक, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों प्ले स्टोर को ओपन करके मैं यहाँ पर आपको पहले दिखाता हूँ कि अगर दोस्तों आपका यहाँ पर रिफंड कैंसिल हो जाता है तो आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना सही जीमेल आईडी को यहाँ पर आप क्या करो, लॉगिन कर लो। उसके बाद मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर बजट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बजट में आपको दिखाता हूँ कि भाई ने यहाँ पर देख सकते हो 3800 रुपये का यहाँ पर परचेज किया है 4 अगस्त 2023 को, जिसमें उन्हें सर 3000 कुछ मिला होगा, ठीक है, मतलब BGMI के अंदर में। और नीचे देख सकते हो कि इनका रिफंडेड हुआ है, बहुत सारा अमाउंट है, जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि एक ये 80 रुपये का रिफंडेड है, एक 80 का यहाँ रिफंडेड है, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 190 का यहाँ रिफंडेड है और 250 रुपये का यहाँ पर रिफंडेड है, ठीक है। और भाई का यहाँ पर एक और रिफंडेड यहाँ पर देख सकते हो। तो बहुत सारे अमाउंट इनका रिफंड हो चुका है। अब लास्ट में इनका देख सकते हो बड़ा सा अमाउंट है जिन्हें इन्होंने रिफंड के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। अब इनके जीमेल आईडी पर चल के मैं दिखाता हूँ कि इन्होंने रिफंड के लिए जब अप्लाई किया तो इन्हें ये मैसेज देखने को मिला। तो अधिकतर दोस्तों आप लोगों को भी ये मैसेज देखने को मिलता होगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ डायरेक्ट लिखा हो रहता है कि बट दिस डजंट क्वालिफाई, मतलब रिफंड के लिए क्वालिफाई नहीं है, इसलिए हम आपको रिफंड नहीं देंगे। तो ये चीज़ आपको देखने को मिला होगा अगर आपको भी। तो चलिए इसके आगे में एक स्टेप हम लोग फॉलो कर सकते हैं, तो अगर आप भी करना चाहें तो ज़रूर ट्राई करें। इससे क्या होता है कि रिफंड कभी कभी अप्रूव हो जाता है, कभी कभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कंफर्म कभी भी नहीं ले सकते हम लोग कि सक्सेसफुल हो जाएगा, बस कोशिश कर सकते हैं और रिफंड यहाँ से मिलने की चांसेस होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा, बस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। और हाँ, आपको अच्छा लगता है कि हाँ इस तरह की इन्फॉर्मेशन और चाहिए, तब आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो चलिए इसके बाद में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको GPA को यहाँ पर कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको क्रोम ब्राउज़र में डायरेक्ट आके यहाँ पर क्या करना है कि play.google.com ऐसे करके आपको सर्च करना है, google.com, स्पेलिंग सही मारिएगा यहाँ पर, और सबसे टॉप में होता है ना, सबसे ऊपर में सर्च मारिएगा, ठीक है, सबसे ऊपर में सर्च मारिएगा, तब जाकर यहाँ पर इस तरीके से खुलेगा, वरना ये आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर के अंदर में लेकर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि आपको यहाँ से जीमेल आईडी को चेंज करना होगा, क्योंकि जिससे आप क्रोम ब्राउज़र चलाते हो वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया होगा, जैसे कि मेरा लॉगिन हो गया, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, नीचे में देख सकते हो स्विच अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर सिंपली मैं क्लिक करता हूँ, स्विच अकाउंट पर क्लिक करूँगा और जिस जीमेल आईडी का मुझे रिफंड करना है उसे मैं सिलेक्ट करूँगा, देख सकते हो सबसे नीचे में है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लूँगा। यहाँ पर देख सकते हो कि ये ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों इसका आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा, इस तरीके से स्क्रॉल करके सबसे नीचे आओ और यहाँ पर देख सकते हो कि कॉन्टेक्ट अस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो उसके बाद में ये आपसे पूछेगा कि टेल अस व्हाट वी कैन हेल्प यू, किस चीज़ के रिलेटेड मतलब हेल्प कर सकते हो, तो आई वॉन्ट रिफंड करके आप यहाँ पर सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब कि रिफंड के रिलेटेड मुझे हेल्प चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, अदर पर यहाँ पर क्लिक करना है और अदर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर गूगल प्ले ऐप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है, यहाँ पर फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दो और चैट का ऑप्शन आएगा और जीमेल का ऑप्शन आएगा, तो हमें चैट पे क्लिक करना है, ईमेल पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको अधिकतर क्या है चैट पे क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो भी चैटिंग होगी गूगल वाले खुद आकर करते हैं और इंग्लिश में बातचीत करते हैं, तो आपको क्या करना है कुछ बैकअप बना लेना है जिससे आप इंग्लिश में समझ पाओ और इनसे बात कर पाओ, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्टली इंग्लिश में इनसे टूटी फूटी में नहीं समझा पाओगे अपने बात को और ये आपकी बातें को भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे और रिफंड हो सकता है यहाँ से भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये भी फाइनल स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको चैट पर क्लिक करना है, उसके बाद इनसे चैट करना, क्या चैट करना है, तो आपको सिंपली बोलना है कि मेरे रिफंड को कैंसिल कर दिया गया है, मैं मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की और बस मुझे रिफंड आप दिला दीजिए और अपने स्पेशलिस्ट को ये केस शेयर कर दीजिए, बस यही चार बात आपको बोलें। तो चलो मैं यहाँ पर चैट ओपन करके मैं बता देता हूँ। चैट पे क्लिक करोगे तो नाम पूछा जाएगा और यहाँ पर आईडी पूछा जाएगा, तो आईडी को मैं पेस्ट कर देता हूँ, नाम को छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर डिस्क्राइब इशू में, डिस्क्राइब इशू में आप डायरेक्ट इस तरीके इस चीज़ को आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, माई ब्रदर यूज द मनी विच वॉच केप फॉर मनी नीड माई नीड इन गेम प्लीज हेल्प मी टू गेट दैट मनी, ठीक है, इस तरीके से डिस्क्राइब इशू लिख दो और सबमिट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से क्या होगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पर गूगल सपोर्ट वाले के सीजन में यहाँ पर देख सकते हो आ जाओगे और यहाँ पर आप सिर्फ देखो कि मैं किस तरीके से यहाँ पर बात करता हूँ।
यहाँ पर देख सकते हो कि गूगल से मैं क्या बात किया हूँ, ताकि आप भी इस तरीके से बात कर पाओ। और एक मैं आपको यहाँ पर बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ उनसे रिस्पेक्टफुली बात करने की कोशिश करो, उनको रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपने काम के लिए आया हूँ और मैं अपने प्रॉब्लम बताया जा रहा हूँ, उनको एक्सेप्ट करो और कुछ अपनी बात रखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने उनसे काफ़ी सारे बात किए हैं, तो आप आइडिया ले सकते हो कि आप भी इस तरीके से बात कर सकते हो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप आराम से पॉज करके इसे देख लो, एक बार पढ़ लो, क्योंकि दोस्तों बहुत कोई बोलते हैं आपने क्या बात की है वो तो मुझे समझ ही नहीं आ पाया। क्योंकि दोस्तों मैं कभी कभी यहाँ पर क्या करता हूँ ना, यहाँ पर अभी मेरा मिस्टेक हुआ कि मैं गलत ट्रांजेक्शन नंबर डाल दिया था, तो भाई ये लोग कन्फ्यूज़ हो गए। उसके बाद में मैं इन्हें सही ट्रांजेक्शन नंबर दिया, उसके बाद में ये कुछ भी नहीं बोले, फिर भी बोले कोई बात नहीं और यहाँ पर मेरी मदद किए। और मैं किस तरीके से यहाँ पर बात किया हूँ वो देख सकते हो आप। ये है मेरा लास्ट प्रोसेस, आप यहाँ तक अपना कुछ भी ऑप्शन को कर सकते हो। अगर किसी तरीके से आपको लगता है कि नहीं आपको रिफंड मिलना चाहिए बड़ा अमाउंट का, और आपने बाय मिस्टेकली सही में परचेज किया, आपकी कोई गलती नहीं है, आप इनके सारे रूल को फॉलो कर रहे हो, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कुछ ऑप्शन है आपके पास में जिसका आप उपयोग कर सकते हो और अपना रिफंड के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर चैट है जो खत्म हो गया, और सारा कुछ मैं यहाँ पर ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके यहाँ पर देख सकते हो मैंने बातचीत किया हूँ, ताकि आप भी इस तरीके से यहाँ पर बातचीत करो। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में एक जीमेल मिलेगा, यहाँ पर आएगा मेल आएगा, जिसमें उसमें कंफर्म लिखा हुआ रहता है कि आपको रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो को स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये 50-50 चांस रहती है रिफंड मिल भी सकती है नहीं भी, लेकिन आपको कोशिश करने में कोई भी यहाँ पर हर्जाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करो, और अगर जुड़ना चाहते हो चैनल से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।